बड़ी मर मर के मेहनत की है जी, हमारा हमारे पास अब कुछ नहीं है जी, हम बर्बाद हो चुके हैं जी, हमारी मदद की जाए जी। बस यही बेनती है जी, अनिल विज से भी जी, खट्टर साहब से यही बेनती है जी, हमारी मदद की जाए जी। अगर ये हमारी कार्रवाई को कोई अंजाम नहीं दे, ये हमारी चेतावनी पूरे किसान लेवल पे, हम अपने धरने भी बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन ये हमारे को चोर चाहिए जो जो जिसने ये शराब करी है। बस मेरा नाम मिठू सिंह है जी, गांव जमालपुर शेखा, और सर मैं सुखचैन के साथ ही इकट्ठे काम करते हैं। हमने कम से कम भी 1.5 करोड़ का माल इकट्ठा किया है और बंदर भी चलाए हैं, और हमने चौकीदार भी लगाया था, आगे कैमरे लगाए हुए थे रोड के ऊपर, रोड के ऊपर कैमरे लगा, कोई पीछे से आगे आगे लगा गया, पीछे नहर है छोटी सी, नहर सूखी थी, उसके अंदर से आदमी आया और पीछे से आग लगा के चला गया। हमारे पास चौकीदार का फोन वो लगभग 1:15 बजे आया रात को, तो हम अपना तपड़ियाँ भाग गए, दमकल की गाड़ियाँ भी आई और ट्राली थी, एक बाइक थी, उसको भी आग लग गई, बंदा बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से ही। ये किसी शरारती तत्व का काम है, क्योंकि आग पीछे से ऐसे नहीं लग सकती। तो जो उसका 1.5 से 1.25 करोड़ रुपये मूल्य था जी, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतजाम किया जी, तामझाम का इंतजाम किया जी, हमारी सारी मेहनत करी कराई खराब हो गई जी। हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं, मंत्रियों से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए जी, हम मारे जा चुके हैं बिल्कुल भी। अगर हमारी इस बार मदद नहीं की, कोई भी किसान गांठे नहीं बनवाएगा और ना ही हम बनाएंगे, क्योंकि हम जब बर्बाद हो चुके हैं, हम कैसे बनाएंगे जी, हमारे पास इतने कहाँ पैसे हैं जी, ये जितने जिम्मेदार खड़े सारे आगे ही लगाएंगे जी, कोई गांठ नहीं बनवाएगा जी। मेरी तो यही बेनती है, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, भी हमारी मदद की जाए जी, और जो दोषी गण है उनको सजा दी जाए जी। शक तो ऐसे है जी, कैमरे लगे हुए हैं आगे, कोई जान नहीं रहा जी, जो आगे कैमरे चार है वहाँ किसी ने रैकिंग तो की होगी, कोई आया गया तो वहाँ जाके चेक तो करो जी कैमरे, हम साथ खड़ेंगे जी, कोई जाता नहीं जी, जाते हैं जी देख के आ जाते हैं जी, आप बताओ जी चोर दो जी, हम किसके साथ उसमें नहीं मोल लेंगे जी, बताओ। ये प्रशासन का काम है जी, देखो थाना बना किस लिए बना है, इसलिए बना है कि वो लोगों के फैसले करें, लोगों को अन्याय मिले जी, कुछ नहीं मिल रहा जी, जी आप ढूंढ के दो, हम कहाँ से देंगे जी, ढूंढ के बताओ, किसका नाम रखें जी, हम तो बता सकते हैं कि इधर से इधर गए हैं बंदे, कैमरे चेक करो जी, कई जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई जा रहा है जी, हमारा तो मरने वाला काम है जी, हम आत्महत्या भी कर सकते हैं, हम इतने दुखी हैं जी, हमारा बहुत बुरा हाल है जी, 2 दिन से रोटी भी नहीं खाई जी हमने ढंग से जी, बड़ी मर मर के मेहनत की है जी, हमारा हमारे पास अब कुछ नहीं है जी, हम बर्बाद हो चुके हैं जी, हमारी मदद की जाए जी। बस यही बेनती है जी, अनिल विज से भी जी, खट्टर साहब से यही बेनती है जी, हमारी मदद की जाए जी, और दोषी गण को सजा दी जाए ढूंढ कर जी। मैं गाँव हैदरवाला से जी, सुखचैन सिंह, मेरी शिकायत यह है कि मैंने अपने खेत में 2 एकड़ में स्टॉक किया हुआ जी, और ये कार्य मैं कम से कम 2018 से ही कर रहा हूँ, जब से ये खेती बाड़ी प्रबंधक में प्रदूषण के खिलाफ से अभियान चला, तो खेती बाड़ी के महकमे ने मुझे बेलर भी दिया हुआ है। इस बार मैंने स्टॉक बड़ा किया था, जिसके अंदर मैंने 50,000 क्विंटल के करीब मैंने पराली इकट्ठी की थी, उसको रात को आग लगाई गई है या कुछ भी है अज्ञात सिस्टम से, रात को 1 बजे वो उसको आग लगा दी गई है, वो सारा सिस्टम मेरा तबाह हो चुका है जी। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मेरी मदद करे। किसी पर शक है? शक तो मैम क्या कह सकते हैं, अगर लगाई तो है ही आग, शक तो किसी को नहीं कह सकते, आग का लगभग 1:20 पे पता चल गया तुम्हारे को। तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो जी आज की वैल्यू उसकी 1.5 करोड़ है। तो पुलिस तो यही कह रही है कि आप बंदा ढूंढ के लाओ, हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, ये नया खेल है जी कोई। सबमिट करवा दिया एफआईआर जी। ये जी हम गांव हैदरवाला से हैं, जमालपुर से आए हैं, काफ़ी पंचायतें आई हैं दाड़वाला से, कई गांव की पंचायत आई है। ये जो हैदरवाला में घटना घटी है ये बहुत ही गलत हो गया है, सरकार के हिसाब से ये बेचारे इतना मेहनत करके, ये चलो सरकार ने कहा भी आग नहीं लगा रही है, पराली वगैरह इकट्ठे कर रहे थे, गांठे बड़ा बड़ा के लोगों को अपने पल्ले से इन्होंने मतलब सारा खर्च उठा के वो इकट्ठा किया, और किसी आंसर ने उसको 1 मिनट में सारा राख कर दिया जी, तो जिम्मेदार बर्बाद हो गए। बहुत मेहनत, बहुत रात दिन, बल्कि अपनी मशीन की बजाय 3-4 मशीनें और भी इन्होंने लगा के अपने पैसे से,
अपनी तरफ से डीजल फूका, अपने ट्रैक्टर, अपने मजदूर। अब रात को चौकीदार पहरे पे जिस साइड से कैमरे लगा रखे थे उस साइड से कोई मतलब नहीं आया, पीछे से लगाई गई आग। अगर इस मतलब घटना को पता ना लगाया गया, अगर ये किसने ये काम करा, तो ये हल्के में आगे के लिए कोई गांठ नहीं बनाएगा, सभी आग लगाएंगे, ना कोई एक एक गठड़ी भी नहीं बनाएगा। ये पूरे आज 5-10 लोग गांवों के खड़े हैं, इस एरिए में तो बनेगी नहीं, और वह कोई नहीं चाहिए। कौन कर गया है, किसने ये कराया है, उसको वो ही चाहिए, उसको सजा दे सरकार जी। लोगों के घर जा जाके, लोगों के मिन्ता कर करके इन्होंने जाके भी पराली हम बढ़ाएंगे, गांठे हम बढ़ाएंगे, आप कुछ नहीं करना, आप अपनी जीरी काट लो, गांठे हम बढ़ाएं। घर घर जा जाके इन्होंने मतलब पैरवाई करी है, आज इनके पल्ले पे बर्बाद हो गए 50 लाख रुपया लगा के। ये कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे? अगर ये काम मतलब हमारा ना हल हुआ, ये चोर ना पकड़ा गया, तो इस एरिए में कोई गांठ नहीं बनाएगा, सरकार के खिलाफ जाएंगे। कहती है आमतौर पे पूरा प्रशासन जिले तक के पहुंच जाते हैं, अब नहीं पहुंचा कोई, क्यों? अगर ये हमारी कार्रवाई को कोई अंजाम नहीं दिया, ये हमारी चेतावनी पूरे किसान लेवल पे, हम अपने धरने पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन ये हमारे को चोर चाहिए जो जिसने ये शराब करी है, बस।